तो मैंने पिछले सीन में बोला था कि जैसे मेरे को अगले सीन्स मिल नहीं रहे कहीं पे भी, मैंने सर्च किया एंड आई वाज एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीन. ओके, तो राजा जी ने मुझे ढूंढ के दिया है, थैंक्स अ लॉट. तो नाउ आई एम गोना रिएक्ट ऑन रेस्टोरेंट फाइट सीन फ्रॉम द मूवी मर्सल, बिकॉज मैंने पिछले सीन में ही कहा था ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे थलपति विजय कि अपनी सारी चीजें दे दो चोर को. माइट बी कुछ अलग एक्शन हो सकता है इसमें, सो लेट्स सी. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं नाम मुरली नायक, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. ओए ठगले लुटेरे, रुक, मैं कुछ करता हूँ. ठगले लुटेरे, सच में दे दो. चलो जल्दी करो, जा इस घर. देने दिया? चलो 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 यहाँ से. ये कब से मैजिक किया जा रहा है यार? तो देश नो फाइट सी. क्या बात है, देव से सीखी हुई कला आज काम आई ना. तेरी तो जादू तो उल्टा पड़ गया, छोड़ मेरे को, भागते तू अब नहीं बचेगा. आओ जमो, लॉजिक छोड़ो और मैजिक देखो. ये चले, ताली बजा. नहीं छोटे, वो मैजिक भी आता है. As I said, ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगा. अबे ये तो खतरनाक निकला. इसको चार्ज पे लगा. ये कुछ अलग ही. कैसा लगा? एक नंबर. अपना बैग लाओ. मैजिक के लिए? इसके अंदर क्या है? लिपस्टिक, आईलाइनर. और क्या? पावर बैंक, चॉकलेट. कोई काम की चीज नहीं है क्या? भगवान का फोटो भी है. कौन से? जय भोलेनाथ का. शक्ल से धार्मिक लगती नहीं है. मेरे दादाजी का नाम भी भोलेनाथ था. ये मेरे दादाजी की बात तो नहीं कर रहा है. इतनी बड़ी चीज कैसे निकली? कैसे किया ये? महेशमती. कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा? क्या ढूंढ रहा है? वो हमारी पड़ोसन है ना, बड़ी अम्मा, कह रही थी अरे बेटा तू बाहर गांव जा रहा है तो मेरे लिए दांतों का नकली सेट लेके आना, उससे मैं अखरोट तोड़ूंगी, मेरा कड़क कड़क चीजें खाने का मन कर रहा है. अबे उसी कमबख्त चीज को ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं मिल नहीं रहा, क्या करूँ? देख मेरे भाई, तू तो जादूगर है, कहीं से भी एक कुटी ढूंढ दे. You're so sweet. जल्दी नहीं तो ये आंखों से ओझल हो जाएगा. टीला दिखाओ ना. ऑफर दिया हुआ राइट. इस डॉक्टर बड़े खतरनाक डॉक्टर. फाइटर ये मछली की तरह यू टर्न क्यों मार रहे हैं? इसे पकड़ो, मैं आ रहा हूँ. कस्तूरी मेथी. Come on, darling. Hi, filter coffee. Hey, abra ka dabra. Yeah, Bobcat. Hey, kala katta. तुम हमेशा यूं ही भटकती रहती हो. तुम्हें क्या लगता है मैं भटक रही हूँ? वो मेरे चीफ डॉक्टर थे, एक रशियन लड़की के पीछे लट्टू हो गए हैं, इसलिए उसके पीछे पीछे हम भी लट्टू हो रहे हैं. बोले तो
तुम भी उनके शॉपिंग बैग्स उठाना, कुछ काम हो तो आसपास रहना, टैक्सी बुक करना, रास्ता बताना, इन शॉर्ट छोटू वाले काम। ये ठरकुंडे की उम्र कितनी होगी? 50 प्लस। 50 प्लस हो के 30 प्लस के साथ घूम रहा है, लेकिन ये 20 प्लस इस रोमांटिक शहर में अकेली है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि ये उसको बोलने का मौका ही नहीं। ज्यादा बोल दिया, चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा। हेलो बाप का, चलो तुम्हारे लिए अच्छी सी विक ढूंढते हैं। कम ऑन। अखे शहर में तुम्हें कोई अच्छा धाकड़ लड़का नहीं मिला? मिला तो था, पर उसे अपने जाल में फंसा पाती उससे पहले वो फूर हो गया। तुम्हारे लिए मेरे पास खतरों से भी खतरनाक आइडिया है। वो क्या? चल मेरे पे छू। I'm in love with your body. थोड़ा सुर में गाओ। क्या मतलब? बेसुरा गा रही हो, लोग चिल्लर फेंकेंगे, जख्मी हो जाओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ, ये 3 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, उनका हर एक पल किसी सपने से कम नहीं था। एकदम जादुई। मुझे भी मजा। बिल्कुल झूठ। नहीं पल्लवी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बताओ बताओ। मैं आज नहीं, कल बताऊंगा। देखो मैं इधर अपना सपना पूरा करने के लिए आया था। तुमको बताया मेरा ड्रीम क्या? द पैराडाइज, दुनिया का सबसे शानदार मैजिक शो। वाओ, मैजिक शो। और मेरा हार बोलता है कि मेरा दूसरा ड्रीम भी उधर ही जाके पूरा होएगा। छोड़ो यार, तुम्हें क्या लगता है मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ? जहाँ बॉस जाएंगे वहीं जाना पड़ेगा। बॉस को भी ले आओ उधर, उनको VIP सीट पे बिठाऊंगा, तुमको फैमिली सीट पे। शाम को 7:30 बजे वहीं पे मैं दिल की बात बोलेगा। मैं आऊंगी। ओके ओके, तो मैजिक और ये भी दो अलग अलग शौक जो है डॉक्टर के, लाइक ही इज डॉक्टर एंड माइट बी हाई लेवल डॉक्टर, जिस वजह से उसने फर्स्ट सीन में ही इसकी जान बचाई थी, एक लेडी की जान बचाई थी वहां पे कट करके, राइट? तो वो एंड मैजिक, दिस टू आर वेरी डिफरेंट थिंग, माइट बी आई डोंट नो व्हाट, या वेरी डिफरेंट थिंग। सो उसकी सपने अलग है, एक मैजिक शो वगैरह, एक मैजिक पैराडाइज तैयार करने का, एंड वो है डॉक्टर एंड बट उसने जिस हाथ सफाई से मैजिक किया, डॉक्टर इतना अच्छे से मैजिक भी कर रहा है, मतलब ये फाइट सीन आपने देखा क्या क्या नहीं किया उसने उस फाइट सीन में। त्रिशूल निकाला उसने, और त्रिशूल वाला फाइट सीन भी एग्जिस्ट करता है, मुझे पता नहीं था ऐसे वाले मूवी में। ओके, एंड उसके बाद उसने वो बॉल के साथ कुछ खेला, फिर वो मोबाइल से ही बॉल निकाल दिया बाहर, एंड देन लास्ट में वो चद्दर लेके गायब हो गया, मतलब किस हाथ, और रिंग रिंग भी दिया हुआ वापस लेके आया, मतलब जिस हाथ सफाई के साथ उसने मैजिक परफॉर्म किया, इट सीम्स लाइक ही इज अ परफेक्ट मैजिशियन एंड अ परफेक्ट डॉक्टर एज वेल। जिस तरीके से उसने उस लेडी को बचाया, उसमें भी फाइट सीन हुआ नो डाउट, वो कूद फान के सारी चीजें करके वो आया लेडी को बचाने के लिए, तो फाइट मतलब एक्शन सीन्स में, एक्शन में तो वो एक नंबर है नो डाउट, बट मैजिक एंड डॉक्टरी ये दोनों बहुत अपोजिट चीजें है। तो एक हॉबी हो सकती है, बट फिर भी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाले था, बाय।